सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका नाम है रंगाज मैरिज। मतलब इसे नाम को सोच के आपको लग रहा होगा रंगा की शादी। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, आप टेंशन ना लें, मैं इस चैप्टर को बड़े आराम से समझाऊँगा। ना ही लाइन बाय लाइन ही समझाऊँगा, ऐसे बता दूँगा कि स्टोरी याद हो जाए। ये चैप्टर किसने रखा है? मस्ती वेंकटेशिया लिंगर। एक बात याद रखें, इस चैप्टर के जो नरेटर हैं उनका नाम है श्यामा। श्यामा, ओके, श्यामा नाम है उनका, इस बात को रिकॉग्नाइज रखें। अब ये स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो नरेटर है वो स्टार्टिंग में कहता है, आप लोग टाइटल पढ़ के ये सोच रहे होंगे रंगाज मैरिज, ऐसा क्यों? कुछ और भी तो रख सकते थे, रंगानाता विवाह, रंगानाता विजया, कुछ भी रख सकते थे। नहीं, पर नरेटर कहता है भाई रंगा की शादी हुई है तो रंगा ही रखेंगे, रंगप्पा की शादी हुई है। नाम था उसका पूरा रंगप्पा। अब आप कहेंगे रंगा था कौन? तो यहाँ दे रखा है रंगा था गांव के अकाउंटेंट के बेटा। अकाउंटेंट होते हैं ना जो वहाँ पे हिसाब किताब देखते हैं ज़्यादातर, जिन्हें हम ठेकेदार बोल देते हैं, उसका लड़का था। और उसने इसे बेंगलोर भेजा था पढ़ने के लिए। एक उसी में इतने पैसे था उसके पास, इतनी दम थी उसके पास, इतना करेज था उसमें कि उसने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा था पढ़ने के लिए, और वो 6 महीने बाद पढ़ के लौटा था। यह आगे बात आएगी इसमें, अब ये समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या दे रखा है, केवल इतने गिवन कंटेंट में। इसके अंदर मेन बात इतनी है जिससे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये जो विलेज है जहाँ की ये बात चल रही है वो है होशा अली विलेज। होशा अली, ठीक है, होशा अली, ये मैसूर के अंदर है। और यहाँ पे कहता है कि आप लोग कह रहे होंगे कि नरेटर कहता है कि होशा अली विलेज का नाम आपने कहीं मैप वगैरह में कहीं देखा ही नहीं है, यहाँ तक कि मैसूर में अगर डाल के देखेंगे वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर कहता है कि जो इंग्लैंड में जो साहिब बैठे हैं और जो कार्टोग्राफर हैं जो कि नक्शा बनाते हैं वो शायद भूल गए हैं इसे लिखना, ठीक है, वो इसे मेंशन करना भूल गए हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि ऐसी कोई जगह भी है होशाली नाम की विलेज जो कि मैसूर के अंदर है। फिर नरेटर कहता है, अरे मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने कहाँ से शुरू कर दिया, चलिए मैं आपको आगे की बात बताता हूँ, ठीक है। अब हम दूसरे वाले पेज पर आते हैं, सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में स्टार्टिंग है, एक स्वीट का नाम दे रखा है करेगा डाबू। ये ऐसा एक फेस्टिव मील होती है, जैसे मिठाई के अंदर जो चीज़ें भरी जाती है ना, जैसे कोई मिठाई है स्वीट है उसके अंदर खोया वगैरह भरा जाता है। तो ये कहता है मैसूर के लिए, मैसूर को एक आप मिठाई का पीस मान लीजिए, और जो हमारा गांव है होशा अली वो उसके अंदर की फिलिंग मान लीजिए। मतलब मैसूर के अंदर होशा अली ना हो तो मैसूर फेमस नहीं है, इस बात का कहना है उनका। फिर वो कहते हैं आपको लग रहा होगा कि मैं ही, नरेटर कहते हैं कि आपको लग रहा है कि शायद मैं ही इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ होशा अली विलेज के बारे में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं जिसका नाम इन्होंने यहाँ दिया है गुंडा भट्टा, मेंशन करता हूँ मैं इधर, गुंडा भट्टा नाम दे रखा है, ठीक है। तो वो डॉक्टर भी हैं, वो भी कहते हैं कि होशाली विलेज के बारे में काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और माना गया है कि वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं बहुत सारी जगह विज़िट कर चुका हूँ, मैं काफ़ी सारी जगह विज़िट कर चुका हूँ। बट जब कोई उनसे पूछता है कि आप कहाँ गए हैं, क्या आप इंग्लैंड घूम गए, मतलब कोई भी जगह का नाम ले लो, तो वो यूँ कहते हैं नहीं मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दी। फिर क्या आता है यहाँ पे कि जो नरेटर है वो होशा अली विलेज की दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता है जिसकी वजह से वो फेमस है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि इम्पॉर्टेंट जो वहाँ की दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो बताइए, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला वो कहता है मैंगोज़ ऑफ द ट्री, वो कहता है कि मैं आपको अपने यहाँ के आमों के बारे में बताता हूँ, मैं आपको एक अपने यहाँ, मेरे यहाँ जब आओगे ना तो एक आम दूंगा। नरेटर कहता है आप मेरे यहाँ जब भी आओगे मैं आपको एक आम दूंगा, आप उसे खाना मत, केवल उसका एक बाइट लेना, वो इतना ज़्यादा खट्टा होगा ना कि वो आपके दिमाग में, ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं ना, इसका मीनिंग होता है दिमाग में चढ़ जाएगा उसका खट्टापन जो है। वो कहता है मैंने एक बार इसी आम का मैंने चटनी बनवाई थी जो कि मैंने खाई, और उसके बाद मेरे को कफ हो गया इतना कि मेरे को दवाई लेनी पड़ी। उसके बाद मुझे डॉक्टर से पता चला कि ये इसके खट्टेपन की वजह से था। ऐसे जैसे कि मैंगो स्पेशल है यहाँ के। एक और चीज़ है, दूसरी चीज़ है, नोट डाउन करना, दो ही चीज़ पे इनको क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। दूसरी चीज़ ये बताता है कि हमारे यहाँ क्रीपर है, एक बेल है जो कि विलेज के पॉन्ड में, मतलब वहाँ पे एक तालाब है वहाँ पे उग रही है। उसके फ्लावर्स इतने फीस टू बिहोल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। वहाँ से आप दो पत्ती लीजिएगा, और जब आप पॉन्ड में नहाने जाएंगे ना तो उसके बाद आप चिंता मत करना कि खाना आपको किस पे बैठ के खाना है, वो पत्ती इतनी साफ़ और सुंदर है कि आप आराम से उस पे बैठ के खाना खा सकते हैं, ठीक है। जब बात हमारे विलेज की आती है वो कहता है तो हम अपनी विलेज को कभी पीछे नहीं रखते। फिर वो लास्ट वाला जो इतना पैराग्राफ है इसके अंदर डिस्क्राइब हुई है कि लैंग्वेज क्या बोली जाती थी वहाँ, जो 10 साल पहले की बता रहा है ये, 10 साल पहले वहाँ पे जो इंग्लिश थी वो बिल्कुल नहीं बोली जाती थी,
वो केवल अपनी मदर टंग बोलते थे जो कि उनकी कन्नड़ लैंग्वेज थी, ठीक है, केवल अपनी मदर टंग बोलते थे कन्नड़ लैंग्वेज। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वहाँ पे कुछ लोगों ने इंग्लिश वर्ड का यूज़ करना इस्तेमाल करिया अपने लैंग्वेज में, तो उसे बड़ा डिसग्रेसफुल माना गया, बड़ा ही अजीब सा माना गया, जो कि नरेटर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अपनी मदर टंग में कोई और किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए। इस पेज में इतना ही था, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ से मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैं आपको स्टोरी कन्वे कर देता हूँ इस पेज के अंदर है क्या। जब एक बार रामा राव के घर पे एक औरत आती है बंडल देने, लकड़ी का फायरवुड का बंडल बेचने, तो रामा राव जो होते हैं, रामा राव क्या करते हैं, उसको ख़रीदते हैं। तो उनका लड़का बाहर जाके कहता है, हाउ मच आई गेव यू, मैं आपको कितने रुपए दूँ। तो वो कहती है 4 पिस। तो वो कहता है, मेरे पास चेंज नहीं है इंग्लिश में। तो जो चेंज वर्ड था ना, उसे वो औरत समझ नहीं पाती है और मटरिंग करते हुए, मतलब बड़बड़ाते हुए चली जाती है। तो द इंग्लिश लैंग्वेज थी वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी उनके गांव के अंदर। जैसे इसलिए जब रंगा आया घर, रंगा जो था अकाउंटेंट का बेटा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो अकाउंटेंट का सन था, जब वो आया तो गांव में बड़ा हल्ला सा हो गया था कि अरे रंगा वो आया है, अकाउंटेंट का लड़का आया है 6 महीने बाद वहाँ से पढ़ के, चलो चलो सब देखते हैं। तो जो क्राउड इतना सारा इकट्ठा हुआ, उसे देख के, उसके अट्रैक्शन से जो नरेटर था श्यामा, वो भी संग चल दिया। तो वहाँ जाके देखता है काफ़ी सारी भीड़ उसके कोर्टयार्ड, मतलब कि आंगन में है। उसके बाद जो है नरेटर कहता है, यहाँ पे क्या है, अब बंदर का शो चल रहा है यहाँ, क्या बंदर का कोई नाटक चल रहा है जो तुम सब खड़े हो। तो उसके बाद वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि इमेच्योर है, जो वो बोल देता है कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे। मैं आपको लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ, देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई बंदर नहीं नाच रहा। तो एक इमेच्योर लड़का कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसे इतनी तमीज़ नहीं थी, नरेटर ऐसा कहता है कि वो इमेच्योर था छोटा। तो सब लोग वहाँ पे होते हैं, नरेटर वो रंगा बाहर आता है, सब देखते हैं उसे, और तब सब लोग कहते हैं, अरे नहीं ये तो नहीं बदला, इसके हाथ नाक कान सब कुछ वैसे ही हैं। और एक जो बूढ़ी अम्मा होती हैं, एक ओल्ड लेडी, वो उसके चेस्ट को टच करके देखती हैं और कहती हैं कि अरे वाह, चलो शुक्र है इसने अपनी कास्ट तो नहीं बदली। उसने जो जनेऊ होता है ना, जो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण लोग जो धार पहने हुए रहते हैं अपने, वो जनेऊ उसने पहन रखा था। तो जब उन्हें सब लोगों को यकीन आ गया कि रंगा वैसा ही है, नहीं बदला है, उसके सब चीज़ें वैसी हैं, हाथ पैर, अरे जाहिर सी बात है यार ऐसे ही होंगे, 6 महीने हुए हैं, कोई साल भर तो हुआ नहीं है, ठीक है, वो सब चले जाते हैं। पर जो हमारा नरेटर था श्यामा, वो वहीं खड़ा रहता है। उसके बाद वो कहता है, मैं वहाँ अकेला रह जाता हूँ, तो रंगा मेरे पास आता है, मेरे पैर छूता है, नमस्ते करता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि वो पूरा ही गाँव का है, शहर जाके उसका ऐसा नहीं है कि उसका जो बिहेवियर था वो चेंज हुआ हो। इस पेज में इतना था, अगले पेज में आपको बताता हूँ मैं इसके अंदर क्या था। फिर उसी आफ्टरनून जब वो उसे नमस्ते कर लेता है, इस पैराग्राफ तक इतना गिवन है कि उसने उसे अच्छे तरीके से नमस्ते किया, जो कि उसे बहुत अच्छा लगा, दोनों पैर सीधे जोड़ के, हाथ बिल्कुल जैसे सीधे खड़े होके ऐसे करके। उसके बाद इस जो पैराग्राफ में है, उसमें ये है कि जब वो कहता है शाम को, फिर क्या होता है, रंगा जाता है वापस उसी के घर, नरेटर के घर, ऑरेंजेस लेके। होता है ना कहीं हम बाहर से आए हैं तो मिलने चले जाते हैं, तो ऐसे ही वो मिलने जाता है उसके यहाँ, तो मिलने जाता है तो बैठ जाते हैं, दोनों ऐसी बातें चल रही होती है। तो श्यामा एक बात छेड़ देता है कि अरे भाई रंगा शादी कब कर रहे हो बताओ। तो फिर रंगप्पा का जो ख्याल है, मैं आपको बताऊं, इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ के बीच में उसने शादी से रिलेटेड बात करी है, ये बहुत ही कम ही आता है एग्ज़ाम में, इसलिए ज़्यादा गौर मत देना। तो इसके अंदर वो क्या कहता है कि मैं किसी इमेच्योर लड़की, किसी छोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ, ताकि मैं उससे कुछ कहूँ, प्यार में बातें और वो गुस्से में ले जाए, तो इसीलिए मेरे को एक मैच्योर लड़की चाहिए, सुंदर हो और मेरी बातों को समझ पाए। इसके अंदर वो एग्जांपल देता है दुष्यंत और शकुंतला, जो प्ले वगैरह थे, नाटक वगैरह, उनसे रिलेटेड, और एक आध दो कपल के जिन्हें वो जानता हो। तो फिर वो कहता है, क्या कोई और भी रीज़न है। तो वो कहता है, नहीं 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 मेरे को केवल एक मैच्योर गर्ल से शादी करनी है और कुछ नहीं। इतने इस पेज के अंदर केवल इतना ही दे रखा है। यहाँ इस पैराग्राफ से अंदर एक होता है कि तो जो बॉय था, मतलब कि जो श्यामा है, वो कहता है कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था ये लड़का एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, एक बहुत अच्छा पति बनेगा, पर इसने तो बैचलर बनने की ठान ली है, ये तो शादी करने का ही नाम नहीं ले रहा। तो काफ़ी देर बात करने के बाद रंगा चला जाता है। तो फिर जो श्यामा है वो अपना मन पक्का कर लेता है कि नहीं, अब तो मैं इसकी शादी करा के रहूँगा, अब तो मेरे को इसकी शादी करानी है। अब यहाँ पर एक लड़की का नाम, यहाँ पर एक लड़की की बात करी गई है जो रामा राव की आती, मैं आपको बता दूँ इस लड़की का नाम था रत्ना, रत्ना नाम था इसका, ठीक है। अब आप कहेंगे रत्ना ये रामा राव की बेटी नहीं थी, इतना ध्यान रखना, ये नाइस जो दे रखा है ना नीस, ये बेटी नहीं है इसकी, ये थी रत्ना एक शहर की रहने वाली लड़की, इसको बहुत अच्छे से आता था हारमोनियम और हारमोनियम प्ले करना और वीणा बजाना, ठीक है।
और ये गाना बहुत अच्छा गाती थी, गाना अच्छा गाती थी। और इसके मदर फादर जो थे, दोनों पेरेंट्स, इनकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, तो रामा राव इसे अपने घर ले आए थे। और जो हमारा श्यामा था वो बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि उसका आना जाना रहता था। यहाँ पे इतने पैराग्राफ तक, ये जो इतना पैराग्राफ है यहाँ तक, थर्ड लाइन तक, यहाँ तक गिवन है इसके बारे में रत्ना के। तो अब यहाँ पे नरेटर कहता है श्यामा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी रामा राव के घर जाता था, तो लड़की मेरे को बहुत अच्छे से जानती थी। फिर वो उसका नाम बताता है, पहले उसने नाम नहीं बताया था उसके बारे में। तो फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट मॉर्निंग उनके घर जाता है, रामा राव की वाइफ से कह के आता है कि आप रत्ना को भेज देना, मैं उसे बटर मिल्क दे दूँगा ताकि वो लेने आ जाए घर पर। तो रत्ना जाती है उसके उसके घर पर। ये ध्यान रखना, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में से राइज होगा, पेपर में होगा, तो इसलिए इसे ध्यान से समझना। मैं पूरा हिंदी में बता रहा हूँ कि जो रत्ना है वो फ्राइडे वाले दिन पहुँचती है वहाँ पे एक बहुत सुंदर साड़ी पहन के। तो वो जो श्यामा है वो उससे कहता है कि तुम रूम में बैठो। रूम में बैठने के बाद कहता है क्या तुम अब आई हो तो एक गाना सुना दो। वो गाना गा रही होती है। श्यामा ने पहले ही रंगप्पा यानी रंगा से कह दी थी कि तुम मेरे यहाँ इतने बजे घर आ जाना। पे प्लान था उसका, प्री प्लान था, तो उसने पहले से ही कह दिया था उसे आने के लिए। रंगा आता है, रंगा गेट पे खड़ा होता है, रंगा गेट पे खड़ा होता है और गाने की आवाज़ सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है। यूँ कहता है इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है देखने के लिए कि गा कौन रहा है। जैसे ही वो देखने की कोशिश करता है, जो सनलाइट आ रही होती है ना ऐसे खिड़कियों में से, दरवाज़ों में से, तो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने की वजह से अचानक से जो वो हेजिटेट हो जाती है, जो हमारी रत्ना होती है वो गाना बंद कर देती है, शर्मा जाती है, तो वो अंदर आ जाए। फिर वो रत्ना खड़ी होकर साइड में आ जाती है, खड़ी हो जाती है। और जो श्यामा, वो हमारा रंगा है, वो बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर में शांति छा जाती है। फिर रंगा कहता है किससे, श्यामा से, कि शायद मेरे आने की वजह से गाना रुक गया, क्या मैं चला जाऊँ, मैं चला ही जाता हूँ। ये बात यहाँ पे कही गई थी कि उसने केवल ऐसा बोला कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन बंदा उठा नहीं था अपनी जगह से। इसलिए कहा गया कि कभी किसी आदमी के शब्द पर भरोसा ना करें। उठा नहीं था वो, वहीं बैठा रहा। उसके बाद रत्ना शर्माती हुई, मतलब कि पहले वो उसे ताड़ता रहा, देखता रहा बैठे बैठे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रत्ना की जब एक बार आंखें मिली उससे तो रत्ना शर्मा के भाग गई। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इतनी बात है यहाँ पे, ये गिवन है। इसी में इतना हिस्सा इसलिए है कि इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो पूछता है उससे कि ये लड़की कौन थी। भाई क्या है, रंगा का दिल आ गया रत्ना पे। अब तो भाई रंगा जानना चाहता है कि ये लड़की है कौन। और लड़की 11 साल की थी, ये बात याद रखना। और इसने पहले क्या कहा था, ये मैच्योर गर्ल से शादी करना चाहता है, और लड़की अभी 11 साल की है, देख लो इसे, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये उससे पूछता है कि इसका नाम क्या है, मेरे को बताओ तो सही। वो कहता है रत्ना, क्या ये शादीशुदा है। तो नरेटर का जो इतनी प्लानिंग उसने करी थी ना, तो वो ये उससे झूठ बोल देता है कि हाँ ये शादीशुदा है, 1 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है, ये जानने के लिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा कहने के बाद आते हैं अगले पेज पे। उसका जो चेहरा था वो रोस्टेड ब्रिंजल की तरह हो जाता है, एक भुने हुए बैगन की तरह, ठीक है। तो उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये तो भाई इसके चक्कर में पड़ चुका है। फिर यहाँ जो पैराग्राफ में दे रखा है, ये भी ध्यान से देखना है हमें कि यहाँ जो पैराग्राफ में है इतना, इसका मतलब क्या है। अगले दिन जो था, वो जो श्यामा था नरेटर, वो एक शास्त्री के पास जाता है। शास्त्री सर कह देता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है, मैंने तुम्हें जो सिखा दिया वो तुम बोल देना उसके सामने फटाफट, तोते की तरह, कोई अपनी तरफ से मिर्च मसाला मत लगाना, ठीक है। फिर मैं उसे, फिर वो क्या करता है, उसके घर जाता है आफ्टरनून में। तो वो उससे कहता है, क्या भाई कैसे रंगा, परेशान से लग रहे हो तुम। कहता है, नहीं नहीं मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ, सर में दर्द है क्या तुम्हारे। अरे नहीं मेरे कोई दर्द नहीं है। फिर यहाँ वो एक लाइन बोलता है कि मैं भी इन्हीं सब चीज़ों से गुजरा था जब मेरे को लड़की चूज़ करनी थी अपने लिए। तो वो रंगा उसकी तरफ घूर के देखता है, लड़की चूज़ करनी थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर वो उससे कहता है, अच्छा चलो चलो चलते हैं हम शास्त्री जी के पास, वो बताएंगे कि तुम्हारे क्या कहते हैं ये जो ग्रह वगैरह चलते हैं सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तुम्हारे फेवरेबल हैं या नहीं। रंगा चला जाता है उसके साथ। जैसे वो शास्त्री से मिलते हैं तो व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, वो श्यामा की तरफ देख के कहते हैं, अरे श्यामा तुम आ गए, तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देखा। श्यामा के मुंह से निकल जाता है, अरे क्या सुबह ही तो आया था। इसको तो इसी बात को जो पंडित जी थे, जो शास्त्री थे, वो उसे दबा देते हैं। वो कहते हैं, अच्छा हाँ सुबह से काम ख़त्म करके अब आप आयोगे। उसने उसे वहाँ बचा लिया, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। इसके बाद क्या करता है, वो कहता है श्यामा उससे कि पंडित जी से, शास्त्री जी से, कि हमारा रंगा कुछ परेशान सा लग रहा है, आप बताओ ये परेशान क्यों है। तो भैया शास्त्री जी को पहले से सिखा पढ़ा दिया था। शास्त्री जी कहते हैं लड़की का मामला है,
सीधे बोल देते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के बाद, अपनी पोथी पत्रा निकालने के बाद, इतने जो हिस्से में यही दे रखी है पूरी बात, अपनी पोथी पत्रा निकालते हैं, जिनको इन्होंने पैराफेलिन बोला है, और कुछ एक और वर्ड था कोरीज, ये जो फेंक के जो देखते हैं ना उससे, वो है ठीक है, वो निकाल के चेक करते हैं। फिर वो कहते हैं किसी लड़की का चक्कर है, तो वो कहते हैं लड़की का नाम मिलता जुलता है जो चीज़ सी में पाई जाती हैं। तो वो कहते हैं ये गई लाइन वे वाली, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम फॉर समथिंग फाउंड इन द ओशियन, जो चीज़ें ओशियन में पाई जाती हैं, कमला मे बी। अब वो नामों को घुमा रहे हैं, हाँ डायरेक्टली वो नाम जानते हैं ना, रत्न बोलना घुमा फिरा के, पर लेकिन वो जान मूझ के घुमा रहे हैं उसे। बाद में नाम क्या निकाला उन्होंने, रत्ना, वाई नॉट रत्ना, रत्ना क्यों नहीं, लेकिन वो जो भाई उसे तो पता थी रंगा को कि उसने बोल रखा था श्यामा ने पहले कि ये शादीशुदा है, तो अब रंगा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो शादीशुदा है। तो फिर तो यहाँ पे वो पंडित शास्त्री जी से पूछा जाता है, शास्त्री जी क्या कोई बात बनेगी अगर हम बात करें तो, श्यामा बोलता है, तो शास्त्री जी कहते हैं हाँ चांसेस तो हैं, नेगोशिएशन ऑफ बियरिंग फ्रूट, यहाँ एक लाइन दे रखी है। तो वो कहता है अच्छा चांसेस हैं, पर रंग वो रंगा कहता है कि नहीं ये तो शादीशुदा थी। अब भाई नाम रत्ना निकल आया, ठीक है, नाम के बाद क्या होता है, अब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं घर की तरफ, तो वहाँ पे रास्ते में पड़ता है हमारे रामा राव का घर, वहाँ पे रत्ना होती है। तो दो मिनट के लिए जो नरेटर था श्यामा वो साइड में चला जाता है, वहाँ पे रंगा अकेला खड़ा रह जाता है। फिर श्यामा अचानक से आके बोलता है उसके पास, अरे भाई वो शादीशुदा नहीं है, मेरे को तो पता नहीं किसने बता दिया था वो शादीशुदा है, लेकिन वो शादीशुदा नहीं है। अब भाई रंगा खुश, अब तो शादी हो जाएगी मेरी, फिर क्या टेंशन है। फिर वो रंगा से कहता है क्या तुम इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो जो शास्त्री जी ने कहा, तो कहता है वाई नॉट, मैं तो पूरा पूरा बिलीव करता हूँ भाई, मैं बिल्कुल ये सब बातें सच हो रही है। फिर क्या होता है, जब शास्त्री जो हमारा श्यामा था वो शास्त्री जी के पास जाता है, उनसे कहता है, इतने पैराग्राफ में यहाँ कहीं दे रखा है, ये जाता है शास्त्री जी के पास और कहता है कि अरे वाह आपने तो वही सब किया जो मैंने आपको बताया था ढंग से। तो वो कहते हैं ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, इट इज़ शेमलेस, ये तो बड़े शर्म की बात है, तुमने तो केवल मेरे को हिंट दिए थे उसके ऊपर, मैंने वही बताया जो मेरे शास्त्रों में निकला था, ये सब सच है इसका मतलब। ये कभी कभार क्वेश्चन में आता है और कभी कभार टीचर भी पूछते हैं कि उसने कैसे हेल्प करी थी श्यामा ने इनकी मैरिज में, तो जहाँ मेन जो आता है इवेंट वो इसका आता था कि जो शास्त्री जी थे उन्होंने पूरी पूरी मदद करी थी, या झूठ बोला था, ये मत कह देना कि झूठ बोला था इनकी शादी के लिए, उन्होंने बोला तो सच ही था, निकला उनके शास्त्रों से ही था ये सब बातें, लेकिन हाँ उन्हें हिंट दिए गए थे उसके अनुसार उन्होंने निकाला था। अब आता है इतना जो पैराग्राफ है हमारा, इसके बाद जो एंड तक है वो है इनकी शादी के बाद का, आखिरकार इनकी शादी हो ही गई रत्ना की और रंगा की। तो इनके बाद क्या होता है, ये उन्हें बुलाने आते हैं श्यामा को, मतलब कि श्यामा को इन्वाइट करता है नरेटर को, एंड इट इज़ द बर्थडे हेयर बर्थडे ही इज़ 3। तो इसका मतलब है इन्होंने इनका जो बेटा था रत्ना का और रंगा का, इन्होंने अपने लड़के का नाम रखा था श्यामा, जो कि नरेटर के नाम पे इन्होंने रखा, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कस्टम जिसे आप लाइक करते हैं उसका नाम अपने बच्चे के नाम पे रख दें। तो कहता है नरेटर श्यामा कि तुमने अपने बेटे का नाम श्यामा क्यों रखा, मैं कहाँ काला और तुम्हारा बच्चा कहाँ इतना गोरा सुंदर, और तुमने उसका नाम श्यामा रख दिया, यार तुम भी बिल्कुल बच्चे टाइप के कपल हो, कैसे चलेगा। फिर बाद में एक और बात आती है कि श्यामा कहता है कि तुम्हारी वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई वहाँ पे है या नहीं तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए खाना बनाने में। तो रंगा कहता है हाँ मेरी बहन है वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ डिनर के लिए, मतलब नरेटर डिनर के लिए जाता है, श्यामा भागते हुए उनका बच्चा जो है उनके पास भागते हुए आता है, उनके पैरों पे पैर पकड़ लेता है, छोटा है ना अभी। तो मैं फिर जो नरेटर है वो उसके गाल पे किस करता है और उसके हाथ में लिटिल छोटी सी उंगली थी उसमें अंगूठी पहना देता है, गिफ्ट के तौर पर ले गया था। फिर वो कहता है हम सबसे कि अब मेरे को इजाज़त दें, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड रीडर, आपने मेरी पढ़ी और मैं हमेशा आपके लिए यहाँ रहूँगा, यू आर नॉट बोर्ड आई होप, मुझे लगता है बोर्ड नहीं हुए होंगे, ऐसा मैं नहीं ये कह रहा है मस्ती वेंकटेश लिंगर, ठीक है। अब ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, ऐसे ही और चैप्टरों की वीडियो मैं डालता रहूँगा काफ़ी ईजी एक्सप्लेनेशन में। और इसमें जो मेन इवेंट था ना वो यही था, क्वेश्चन जो आया है अभी तक जो मैंने अपने पेपर में लिखे हैं, क्वेश्चन आता है कि जो नरेटर था श्यामा उसने कैसे हेल्प करी थी रंगा और रत्ना को मिलाने में, और दूसरा गांव की दो ऐसी चीज़ें जिससे कि गांव फेमस बहुत ज़्यादा है, जितना वो उसके बारे में बताता है मैंगो और क्रीपर को लेके वो। थैंक यू।